Biological classification, that is chapter 2, 11th class. I'll give some questions, okay? You have to write the questions as well as its answer, okay? और उसके बाद उसके आंसर्स को आज भेजना है, ठीक है? लास्ट टाइम दो दिन तो बेटा इसमें बारिश के वजह से एज वेल एज कल तो इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में क्लास नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर वन, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स फुल स्टॉप ऑन व्हिच बेसिस दे आर क्लासिफाइड। क्वेश्चन समझ में आया? जैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो सारे ऑर्गेनिज्म को प्लांट एंड एनिमल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो कौन सा बेसिस के किसके आधार पर उन लोग को क्लासिफाई किया गया था? ओके, अच्छा, हु गेव द टू किंगडम, हु गेव द नेम ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन? ओके, नेक्स्ट इज हु प्रपोज्ड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, मेंशन द क्राइटेरिया फॉर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया को लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट, थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल द ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड इनटू थ्री डोमेन्स, व्हाट आर दोज? ओके, थ्री डोमेन्स के अंदर कौन कौन आते हैं? तो थ्री डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन में कितने किंगडम्स है? थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन में कितने, हाउ मेनी, तो लिख लो क्वेश्चन को, हाउ मेनी किंगडम्स आर देयर इन थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन? नेक्स्ट आई विल गिव सम क्वेश्चन फ्रॉम मोनेरा, व्हाट आर द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन मोनेरा से, व्हाट आर द टू मेन फीचर्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोनेरा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मोनेरा से, हाउ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन मोनेरा? ओनली यू हैव टू गिव द नेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री वेज रिप्रोडक्शन ऑकर इन मोनेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री मेन ग्रुप्स ऑफ मोनेरा? ठीक है, एक क्वेश्चन पहले भेज देता हूँ, तुम लोग आंसर करके भेजोगे, ठीक है ना? स्निग्धा और नंदिनी, कनक, समृद्धि, ओके?